कुछ परेशान लग रहे हो? अब अच्छा चलो अब जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आरुषि, क्या तुम हमसे प्यार करती हो? क्या ये कैसा सवाल है? तुम्हें पता होना चाहिए हम तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो काम पे मत जाओ। क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें पहले ही देर हो रही है और तुम मजाक कर रहे हो। चलो चलो। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि तुम काम करने बाहर जाओ। और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मतलब क्या वजह है जो तुम अचानक इस तरह की बातें कर रहे हो? वजह पे मत जाओ आरुष, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, और अगर करती हो तो तुम काम पे नहीं जाओगी, बस। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो तन्मय? हम तुमसे पूछकर ही तो नौकरी कर रहे हैं ना। अगर तुम नहीं चाहते थे कि हम नौकरी करें तो तुम हमें पहले भी मना कर सकते थे। आज के दिन का ही क्यों इंतजार किया तुमने? अब जब हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं अपने करियर की शुरुआत करने के लिए, अब तुम कह रहे हो कि हम नौकरी ना करें? क्यों तन्मय, क्यों किया तुमने ऐसा? किस लिए दिखाए हमें सपने तोड़ने के लिए? करियर के बारे में तुमने सोचा ही कब था आरुषि? और रही बात सपनों की, तो हमें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे सपने क्या हैं। ये नौकरी तुम सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि रोज रोज दूसरे मर्दों से ऑफिस में तुम मिल सको। यही सपने देख रही थी ना तुम? हाँ हाँ समझ गए, सब 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 भिजवा देंगे औरतों का। हाँ बस बस अभी थोड़ी देर में। हाँ समझ गए, भिजवा दे। भैया ये लड़की फिर से ही आ गई, बहुत ही बेशरम और बदतमीज लड़की है। कल आप इतना हड़काए रहे फिर भी जरा सी शर्म नहीं है भैया। भैया ये लड़की ना ऐसे नहीं मानने वाली, हम जाके देते हैं, इसको भगाते हैं यहाँ से, ठीक है? अरे यार शांति रखो तुम, समझो सब्र रखो, ऐसे 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 जोश ना मारो तुम यार। कुछ भी हो भाई तो लड़की ना, हम बात करते हैं। वो ऑर्डर तो हमने वेटर को दे दिया है। देखो ऐसा है, साफ साफ सीधी सीधी हमारी बात सुनो। अब हम तुमका जब बता चुके हैं कि हम शादीशुदा हैं, तो फिर यहाँ हमारे पीछे आए का क्या मतलब? हमने बताया ना आपको, और आपको पता भी है कि हम यहाँ क्यों आते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और बस आपको देखने के लिए यहाँ आते हैं। देखो शायद तुमका ना मेरी बात समझ नहीं आ रही, हम तुमका अच्छे से समझा देते हैं। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी से ना बहुत खुश हैं और अपनी बीबी को बहुत प्यार करते हैं, समझो समझो कि नहीं? इसलिए हमका दूसर लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं ना, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या सही कह रहे हैं कि नहीं? आपने कहा था ना कि आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं और इसलिए उनका नाम आपने अपने हाथ पर गुदवा लिया है। अगर हाथ पे नाम गुदवाना ही प्यार की सच्ची निशानी है, तो हमने आपका नाम भी हमेशा हमेशा के लिए अपने हाथ पे गुदवा लिया है। ये देखिए। क्या बकवास है, हैं? काय मजाक लगा रखी हो? पागल हो गई हो तुम, हैं? क्या दिमाग नहीं का तुमने को तुम्हारे अंदर? ऐसा मजाक क्यों तुम? क्यों? आपको ये मजाक क्यों लग रहा है?